हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद सब एग्जाम में आप सबका स्वागत है। नए ब्लॉग में भी आपका स्वागत है। इस वक्त बज रहा है 11:35। आज डेट है 21 दिसंबर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आज सनी आने वाला है, उसके लिए मुझे कुछ छोटी मोटी तैयारियां करनी थी। तो हम शांति नगर मार्केट आए हैं, उसके बाद मुझे फ्लावर्स की शॉप दिख गई। तो ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए थे, तो मैंने कुछ गुलाब की पत्तियां ली हैं, गजरे लिए हैं, और फिर मैं निकल गई दूसरी जगह जाने के लिए। हम आ गए हैं अभी हार्डवेयर की शॉप। हार्डवेयर की शॉप पे मुझे उनको बोलना था कि आके कर्टन की रॉड लगा दो, और उसके बाद मैं आ गई हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट काम गद्दा लेना था मुझे। यहाँ से हमने गद्दा ले लिया है, वो भैया कार में रख रहे हैं। चलो, ये भी काम हो गया है। और अभी हम आ गए हैं मार्केट पॉइंट, क्योंकि यहाँ से भी हमें कुछ कुछ लेना है। आ गई हूँ गद्दा लेके, जो कि अम्मी सनी ने कहा था कि मुझे गद्दा चाहिए। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद सब एग्जाम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। बस इंशाल्लाह सनी अभी जो है वो बस आने ही वाला है। और मैं गई थी मार्केट, हमारा गद्दा है बिस्तर का जो हमने अपने बेड पे बनवाया था, वो हमने ज्यादा ही सॉफ्ट वाला बनवा लिया था। उसे जैसे भाई को नहीं हो जाता अम्मी सॉफ्ट वाले गद्दे में गए, तो उसने कहा ऐसा गद्दा ला दो, मैं जमीन में बिछा के लेटूंगा, तो मैं वो लेने गई थी। और अम्मी जब पिछले बार आई थी टॉवल नहीं थी, तो जैसे टॉवल नहीं है तो डर की वजह से टॉवल भी लेके आई हो। सही है ना, बेडशीट तो है इसमें नहीं है ना, ये तो बेडशीट पूरी बेडशीट है। हाँ, ये इसमें बिछा देंगे। और ये लेके आई हूँ वो करने के लिए अम्मी, फूल बाहरों फूल बरसाओ महबूबा है मेरा महबूबा इसके लिए लाई हूँ। फोटो शूट है तो हाथ में पहनूंगी, वो गजरा है वो हाथ में बांधूंगी। कुछ कुछ खाने का सामान ऊपर रहते हैं ज्यादातर, तो वो लोग अपना बिस्किट खाएंगे। और सनी को वो बहुत पसंद है अम्मी, मैम और पाव लगा, वो घी लगा के जैम लगा के। और ये रिजा के लिए, और भैया रियान रिजा के आज से एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो अब सब साथ में मिलके मस्ती करेंगे। वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उनके सनी भाई आ रहे हैं। बस सारा को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मैं बना रही सनी के खाना, क्योंकि सनी ने बोला है दाल चावल खाना है और कुछ नहीं खाना। हमने दाल चावल, तुमने खीर, बस इतना ही बस। फिर जो शाम को खाएगा फिर बनाएंगे। ये गद्दे को ऊपर चढ़ा के लेके जाना है फ्रेंड्स। यार हम आ नहीं पाए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मम्मी। मम्मी का प्लान था, तुम्हारा प्लान था, दोनों का। सॉरी, लेने नहीं आए। गर्मी बहुत है ना, गालों में खराब ना हो जाए। क्या ये अमरूद है? थैंक यू। पाव लायो, तुम्हारी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई, अभी चलना कर रहा है। अरे वाह, थैंक यू। कहाँ से लिए? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। सही है गद्दा, मुझे छोटा क्यों लग रहा है? कह रहा था 6 फुट के लिए है। हो जाएगा। हैप्पी? ये कहाँ से आया? मुझे क्या मालूम कहाँ से आया, मुझे कैसे मालूम हुआ कहाँ से आया। कितने खराब हो, अब इसमें खराब की बात क्या है? इसमें एक तो गिफ्ट भी दो, खराब भी हो। तो आपने बताया नहीं, तो फिर क्या सरप्राइज खत्म हो गया। कहाँ से लाए? मुंह से। हां भाई, सफर नहीं हो रहा तुम्हें। जब सीधा रास्ते से नहीं चले तो उल्टा रास्ता पकड़ लेना चाहिए। गलत बात है, हमेशा सीधा। ओ वाओ, और मैं देखो पहने भी नहीं थी इतने दिनों से। मैंने मेहंदी तो लगा ली थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि पायल नहीं है। पसंद है? बहुत प्यारी, थैंक यू। बर्थडे गिफ्ट है? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा प्री बर्थडे गिफ्ट है। खुलेगा कैसे? फाइनली सनी आ गया है। तुमने मुझे मिस किया बहुत, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अभी थोड़ी देर व्लॉग रख देते हैं, फोन रख देते हैं, बातें करते हैं। थोड़ा सा तो मोटू होके आया है। एक भी नहीं हुआ मोटा, पागल थी। सिक्स पैक आने वाले हैं, सिक्स पैक आने वाले हैं, दिखाना। देख दो ये निकले। अस्सलाम वालेकुम। सनी सोने लगा है और मैं जा रही हूँ स्कूल से। मेरी विंटर जैकेट। आप क्या कहना चाहती हो? एग्जाम्स ओवर, बस टेंशन खत्म है ना। हम माँ बाप को भी टेंशन रहता है। हाँ, सबको रहता है। सही बात है, पढ़ना नहीं पड़ेगा तुम लोगों के लिए। सनी भाई अंकल चिप्स लेके आए, मैंने बोला था उनसे। अरे वाह, शूट करना भूल तो नहीं है? क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, मेरे लिए बना लिए क्या? हाँ। गोल प्याज काट, गोल अभी एक चाकू दबा चलता नहीं है ना, जबान से भी कट जाती है प्याज। चुप रहो, इसकी बहुत जल्दी है। रिजा हाँ? क्या कर रही हो? अभी स्कूल से आई हूँ, एग्जाम खत्म। ज्यादा मेहनत नहीं कर रही चलो तुम है? मजाक उड़ा रहे हो ना? मजाक काहे उड़ा रहे? मैंने खीर बनाई है। हाँ। अरे वाह, मिल्क मेड ज्यादा यूज नहीं करती क्योंकि मुझे इसका टेस्ट ज्यादा नहीं पसंद, लेकिन स्पेशल इंसान के लिए स्पेशल खीर बनाने के लिए थोड़ा सा ये भी डाल रहे हैं। अगर अच्छी हुई
ये तो 200 रुपए। 200? पतली हो गई। पतली से मतलब नहीं है, अच्छी और है। अच्छा टेस्ट और अच्छा है। अच्छी है। पास हो गई तुम? सही है। पहली बार बनाई? हाँ मैं तो ऐसे। अच्छी है। उसके बाद फ्रेंड्स भाई का कॉल आ गया कि जल्दी से 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाओ। हम लोग 10 मिनट के अंदर रेडी हो गए, कार में बैठ गए। भाभी डेट्स रखी हुई थी तो बस हम लोग वही खा रहे थे, उसके बाद निकल गए हैं। काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी, एक तो सनी भी आया था, दूसरी बात हम चारों भाई, भाभी, मैं और सनी पहली बार ऐसे घूमने निकल रहे थे। तो स्पेशली भाई लेके गए थे आज मेरे बर्थडे के लिए, और सनी का भी बर्थडे आने वाला है तो भाई ने कहा था वो अपने बर्थडे पर यहाँ नहीं होगा, तो दोनों अपने लिए कुछ ले लो। और हमने अभी सबसे पहले स्टारबक्स पे आके हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आए थे हम लोग ऋतु कुमार के स्टोर पे, तो सनी कहता दीवार जो है वो छपी हुई नहीं है, जैसे मौदा में होती है ना। कहने को तो कितना बड़ा स्टोर है लेकिन सबका अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना डिज़ाइन है, काफ़ी यूनिक लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो बस हम लोग वही देख रहे थे, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर। बाकी आप जाइए भाई का व्लॉग देखिए, उसमें आपको सब पता चलेगा कि हमें क्या बर्थडे गिफ्ट मिला। अब हम आ गए हैं घर, सनी पापा से अभी तक मिल नहीं पाया था तो ऊपर आ गया है, देव भैया से मिला और उसके बाद पापा से जाके मिला। पापा काफी ज्यादा खुश हो गए थे, कुछ देर बैठ के उनके साथ बातें की। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये क्या है बेटा, तुम्हारे दोस्तों ने भेजा है? अरे ये बर्थडे का भेजा है क्या? हाँ शादी का भेजा है। और हमसे बात भी करी थी। अच्छा। कहती आंटी आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करके सबको अच्छा लगता है, आप हो इतनी प्यारी। अब मुझे एडिट करना जल्दी से। ठीक है, रास्ता छोड़ो, जगह छोड़ो। हाँ की मम्मी ने भेजा। अच्छा। हाँ और ये खाना भी। खाना भी दिया है। हम लोग आ चुके हैं अभी घर में, आपसे मिलते थोड़ी देर बाद क्योंकि अर्जेंट में व्लॉग एडिट करना है और अभी डालना है, उसके बाद बाकी सारे काम। मैंने आपको दिखाया नहीं जल्दी जल्दी में, सनी ये हमें बस ये लेके आया है। अच्छी लग रही है। अच्छी है ना बहुत। पतली सी। जमील भाई के यहाँ से आ गए कपड़े। क्रिसमस क्या हो गया अम्मी? क्रिसमस हो गया। सो क्यूट सही है ना इसका बेल्ट? नहीं ये है ना। हाँ और ये ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है ना। अच्छी लग रही, अच्छी लग रही। दिखाओ पास से, ऐसा पैटर्न बनाया था इसको इस बार। अच्छी है? हैप्पी? बहुत अच्छी है। बैडमिंटन चल रहा है, इतना पसीना, मजा आया खेल के। आपके फॉलोअर्स बढ़े थे तो केक्स मैनिया। थैंक यू सो मच, बहुत सारा। अभी खाएंगे रात में। ठीक और नीचे ये भी आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। खा लिट। बज रहा है 12:30, ये लोग पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं, कल निकलना है 9:00। मैं अभी जा रही हूँ ऊपर, थोड़ी देर बैठूंगी सनी के पास, बातें बातें करेंगे। आज दिन भर मॉल में काफी ज्यादा थकान भी हो गई लेकिन बहुत अच्छी शॉपिंग कराई भाई ने, भाभी ने, बहुत अच्छा लगा। आपको दिखाऊंगी, मुझे बर्थडे गिफ्ट भी मिल गया है। मैं आती हूँ थोड़ी देर से, ठीक है? नहीं पैकिंग करके रखो फिर मैं कर लूंगी। अल्लाह। क्या कर रहे हो? ऐसे मनुष्यों की तरह सब अपने फोन में क्यों लगे हैं? क्योंकि वाईफाई चल नहीं रहा है। अल्लाह कह रहा है कि फोन रख दो। लो रख दिया। चलो रख दो फोन, तुम्हारा तो मैं यही निकाल लूंगी। प्लीज रख दो फोन सराफत के साथ। एग्जाम खत्म होने की खुशी में दिमाग उड़ गया तुम्हारा। एक तरफ भूख लग रही है, एक तरफ नींद आ रही है। हां जी। तुम्हें क्या चाहिए? ये चिकन रैप? हाँ KFC से चाहिए। पेट तो हमारा भरा हुआ है और फिर ऐसे खुशी भी है तो लग रहा है बैठो खाओ, इसके भी एग्जाम खत्म हुए हैं। लोग अपना कुछ कुछ ऑर्डर करा रहे हैं। क्या ऑर्डर कर रहे हो? बर्गर। बर्गर तुमने? बर्गर बर्गर बर्गर। एरियन ऑटो पिज्जा आ गया। कोल्ड ड्रिंक डाइट को। बस हम सब ने ये सारी चीज़ें खाई और उसके बाद हम लोग सो गए और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ सुबह उठ के। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अभी बोल दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? बस अभी हम लोग को पैकिंग करना है और बस निकलना है लोनावला के लिए, तो बस अभी हम नीचे जा रहे हैं, हम रेडी होंगे। अस्सलाम वालेकुम। हो गई तुम्हारी पैकिंग? बस कपड़े चेंज करने जा रहे हैं। पैकिंग फ्रेंड्स देखिए मेरी यहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे जगह खाली है क्योंकि अब मेरे सूटकेस में सनी के भी कपड़े जाएंगे। और आज हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं चाय पराठा का, मतलब आज हमें स्पेशल नाश्ता मिल गया है और साथ में मुझे एक कोकोनट का एक बिस्किट खाऊंगी। कल सनी के लिए लेके आई थी, उसने तो खाया नहीं, मेरी नियत लगी क्योंकि मुझे कोकोनट फ्लेवर जो है बहुत ज्यादा पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत भूख लग रही थी। तुम्हारा हो गया ब्रेकफास्ट? कब करोगे? अभी सीधा ब्रंच। वाह भाई, कोई तो आज नए नए जूते पहने हैं, प्यारू लग रहा है। हाँ बहुत अच्छे। देखो आप जो पाव लेके आए ना झांसी से, ये हम लेके जा रहे हैं, वही खाएंगे।
क्योंकि फिर यहाँ पे तो खराब हो जाएंगे। थोड़ा सा चखा है मैंने, आधा इतना अच्छा लगा, मैंने कहा रिजा इसको ले ही चल बंगला, वहीं खाएंगे। डाइट करनी है किसे? मुझे, मुझे थोड़ा करनी है तो मुझे जाओगी तुम्हारी सारी डाइट मारी मारी पे देगी। नहीं नहीं, आपको आपको मुझे हिम्मत देना है। डाइट किस लिए कर रहे हैं? एक वादा करो मेरी हिम्मत, सबको सामने, सबको, सबसे मेरे यूट्यूब वालों से वादा करो कि मैं सबको कोशिश उसको सपोर्ट करूंगा डाइट में। नहीं, मेरा वादा है अच्छा अच्छा खिलाऊंगा और पेट भर के खिलाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम आधा पेट खाओ, ये काम नहीं कर। रोटी सब्जी खा लेना, फ्रूट खा लेना, ठीक, दूध पी लेना। दूध नहीं, दूध नुकसान करता है। चलो ठीक है, देखेंगे। दूध तो बिल्ला पीता है। तो बिल्ला ही तो है पूरा। रिहान, अब इस बेचारे का पीछा छोड़ दो, ये मत ले चलो। ये तो हर बार की तरह हमारे साथ ही है। हर सनी तुम भी चलाना, वहाँ पे है। मैं गिर जाऊंगा सर भैया, हाथ पैर टूट जाएंगे इसका जो बड़ा। अभी आधे पार्सल्स नहीं है, वो अपलोड कर रही हूँ। अभी आधे पार्सल्स जो है वो अनबॉक्स नहीं हुआ है, ये इतने भी आते जा रहे हैं। अब सब इशा ला के करेंगे ना। हमारी पैकिंग जैसे हो गई थी, अब ये वाले कपड़े हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। और आज की ताजा खबर भी बननी चाहिए, पत्नी होने का फर्ज। सर्वाइव राइव अपनी पत्नी होने का फर्ज निभाते हुए। लेकिन तुम इतने सारे कपड़े क्यों लेके जा रहे हो? तुम अपने साथ रख लो सब, रेड पहनेंगे। रिजा ने कहा सब क्रिसमस पे। रिहान तुमने कुछ ला रखा है? ये वाली पहन रही हो? हाँ। ये भाभी जो दुबई से लाई थी। हाँ, हाँ। हाँ, ये भी अच्छी है। वो वाली लाओ मेरी वापस। नहीं, जो पहले आई थी पहले बंधेगी, जो बाद में आएगी वो बाद में बंधेगी। ठीक है, दोनों अच्छी, किसी की भी पहनो एक ही बात है। अच्छी लग रही है, तुम खुश रहो बस। तुम ले लो। डाल दिया कबूतरों को? डाल दिया। फ्रेंड्स, अभी टाइम भी अनबॉक्स करने का, तो हम बाद में आगे करेंगे। लेकिन ये मग्स मुझे ऊपर दिख रहे थे, मैं सोच रही हूँ ले जाते हैं वहाँ पे ही हम लोग पिएंगे। और ये सबा लिखा हुआ है, यहाँ पे सनी लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से मग्स है। आई थिंक ये पर्सनलाइज्ड गिफ्ट सेंटर की तरफ से होंगे। बाकी सारे अलग अलग ब्रांड से अलग अलग चीजें भेजी है, हम आके इंशाल्लाह अनबॉक्स करेंगे। अभी चलते हैं। तो बस फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हो गए। अम्मी हैप्पी? हाँ। इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है कि सनी हमारे साथ जा रहा है, मतलब मैं और सनी पहली बार घूमने जा रहे हैं साथ में। सलाम नहीं किया आपने? अस्सलाम वालेकुम, सबको छोटो बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम दिल से। क्या चाहिए? चाबी। किस लिए? मेरा आईपैड छोड़ दिया, आप ध्यान नहीं रखते। मैंने तो रख ली। तुम्हारा आईपैड रिजर्व क्यों लेगी? जाओ जल्दी जाओ। हाँ, साथ में जाना है, चले जाओ। हाँ, जा सकती हूँ, हम लोग आराम से जाएंगे। हाँ चली जाओ उनके साथ। चलो बाय। एक्साइटेड? बाय एक्साइटेड। चलो मिलते हैं भाई। चलो, रिहान का पूरा ध्यान खाने में है। रिहान निकलते निकलते इस बार हम लोग को लेट हो गया, 2 बज गया था, तो थोड़ी थोड़ी भूख लगाई थी। तो सनी ने रास्ते से उतर के कुछ समोसे वड़ा पाव ये सारी चीजें ली। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए फूड कोर्ट। कुछ खाएंगे यहाँ पे? मैं मम्मी लोगों को ढूंढ रही हूँ, दिख ही नहीं रही है। आवा लोग का फोन ही नहीं उठा रही। मैकडी तुम्हें कब से फोन कर रहे हैं? फोन का क्यों लाना चाहिए? क्या खाओगे? आंटी को शुगर फ्री कोल्ड कॉफ़ी चाहिए थी, तो बस हम वही पूछ रहे थे कि मिलती है कि नहीं मिलती है। तो मिलती है, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए स्टारबक्स। सेल्फी एक कप लो, एक लो सेल्फी। ये ब्लैक वाला, ब्लैक वाला नहीं, नहीं, ये पिंक ले लो। मना कर दिया था भाई ने। तो अभी इनका ऑर्डर हो गया है कॉफ़ी का, और अम्मी को खाना है फ्रूट सैलेड, तो हम यहाँ से फ्रूट सैलेड लेंगे। फ्रूट तो यहाँ पे फ्रूट सैलेड मिल गई अम्मी के लिए फाइनली। वड़ा पाव चाहिए या समोसा पाव? ले लो। तो बाकी सबका हो गया, अभी बस बचा है रिहान का और रिजा का। इनको खाना है बर्गर। हमेशा की तरह ये बर्गर बच्चे हैं एकदम। तो बर्गर बच्चे मतलब पता है, नॉर्मल बच्चे होते हैं, देसी बच्चे हमारे जैसे, और एक होते हैं शो ऑफ वाले, उनको कहते हैं बर्गर बच्चे। अंग्रेजों के जमाने का पंखा है ये। एक मोहल्ले में पंखा लगा दूंगी तो पूरे मोहल्ले में हवा आएगी इससे। तुम्हारी वाली हरकत अम्मी ने भी की, स्ट्रॉ से गरम कॉफी घोल ली, वो पूरी पिघल गए। नहीं, उन्होंने घोल लिया। खा रहे बड़ा पाओ, बम्बईया बन गए हो। इसको लग तरीके से ऐसे ऐसे तुमने मुंबई और यूपी को मिला दिया। भाई
वहाँ जाके न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सनी पहली बार लोनावला एंटर कर रहा है, मतलब कभी नहीं गया ना इससे पहले, कभी भी नहीं गया। तो उसको थोड़ा सा, हाँ तो उसको पहाड़ दिखाते हैं थोड़ा सा भी कांच खोल के, इसको कैसा लगता है, काफी ज्यादा लंबा हो गया है। हम लोनावला जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सभा का बर्थडे है ना। हाँ। और सारे लोग इसको बहुत सारा प्यार दो। हाँ। और सारे लोग अच्छे से इसके लिए दुआ करो। हाँ। इसका बर्थडे है, प्यारी गुड़िया का बर्थडे है। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और बस और क्या इतना काफी है। आई लव यू दूर से बोलना। आई लव यू।